من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات شکرن للہ تاسوعا آ گیا اور ہم اس توسل افضل العبادہ میں مصروف ہیں. تسعہ سے تاسوعا کہتے ہیں عربی زبان میں, تسعہ یعنی نائن, تاسوعا یعنی نائن محرم, اور ہماری سیدہ کے نام بھی نائن ہے نا, لفاطمتا تسعۃ اسماء عند اللہ. آسمان میں نہیں, دوسری ہستیوں کے پاس نہیں, ملکوت میں نہیں, عند اللہ لفاطمۃ الزہرا تسعۃ اسماء عند اللہ. اللہ کے پاس نائن نیمز ہیں اور انہی نائن نمبر میں اتنا ہمارے لیے رمز و حکمت موجود ہے. میں صرف ایک حدیث ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں. انشاءاللہ 12 محرم کو, آج کے بعد, کل اور پرسوں نہیں, 12 محرم کو 12 کو امام کا سیم یہاں ہوگا اور کچھ بہت اچھی نئی باتیں انشاءاللہ خدا نے زندگی دی تو ہم شیئر کریں گے آپس میں. اب آج میرا دل چاہ رہا ہے اس حدیث کو میں اپنی ماؤں کے لیے بتاؤں, بہنوں کے لیے بتاؤں, کہ حدیث کے ذریعے اذا بلغ المسلم الى 40 سنہ, جب ایک مسلمان عبادت کرتے 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 40 ایئرز کا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم آمنہ اللہ من البلاء, پروردگار عالم اس کو ایک امن, پیس, ایک عجیب سی اس کی پروٹیکشن کرتا ہے. جن جو 40 سال کے ہیں وہ ذرا خوشی خوشی سے سن رہے ہوں گے کہ اچھا ہمیں کیا ملنے والا ہے. ایک خاص اللہ کی طرف سے, اللہ کہتے ہیں 40 سال اس نے عبادت کی ہے, 40 سال اپنی زبان کو لگام دیا ہے, دل کو پاک رکھا ہے اور میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کی ہے, بیدار زندگی گزاری ہے. من بلغ المسلم الى 40 سنہ آمنہ اللہ من البلایا, ایک امن والی زندگی. واذا بلغ المسلم الى 50, جب وہ 50 کی طرف آتا ہے, 50 سال کا ہوتا ہے, تو کیا کرتا ہے پروردگار عالم؟ اس کے اعمال کو قبول کرنے میں
और उसके साथ हिसाब किताब करने में आसानी करता है कि 50 years यानी पूरा निसफ, यू नो हम कहते हैं ना हाफ सेंचुरी गुजार ली है मेरी इबादत में, तो मैं अब उसके साथ ईजी डीलिंग करूँगा। वइदा बलगा इला सिटीन, जब वो 60s में चला जाता है तो लय्यनल्लाहु कल्बहु लिल अनाबा, परवरदिगार आलम उसके दिल को नरम से नरम से नरम तर करता है तौबा के लिए, गिरिया के लिए, अल्लाह से इश्क़ मोहब्बत के लिए। वइदा बलगा इला सबईन, लेकिन जैसे वो 70 तक पहुंचता है, 70 साल उसने अल्लाह की इबादत में गुजारे, तो अहब्बहुल्लाह व अहब्बहु अहलुल समा, अल्लाह कहता है मेरी मोहब्बत उसके साथ और ज़्यादा, और अहले समा वाले भी, आसमान वाले भी उसको और चाहने लगते हैं, क्योंकि 70 साल से वो आमाल भेज रहा है, भेज रहा है, भेज रहा है, आमाल जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, अब आसमान वाले उसको बहुत पहचानने लग गए हैं, बहुत फरिश्ते उसके दोस्त बन गए हैं, तो अहब्बहुल्लाह व अहब्बहु अहलस समा। मज़ा आता है ना, अब एज बढ़े, ये दुनिया वाले तो कहते हैं हाय हाय भागो भागो, बड़ा नहीं होना, जवान रहना, हाय रिंकल्स ना आए, कहते हैं ना ज़मीन की तरफ हमारी हमारी स्किन लटक रही होती है, हम कहते हैं नहीं ऊपर ऊपर, उसके ऑपोजिट नीचे नहीं जाओ, नीचे नहीं जाओ, ऊपर ऊपर। लेकिन ये हदीस सुनने के बाद कहते हैं आह क्या ज़िंदगी है, ज़िंदगी हो तो ऐसी कितनी खूबसूरत कि मैं 40 साल अल्लाह की बंदगी करूं, या अल्लाह मुझे 50 साल मिले और मैं वो वाला लेवल भी हासिल करूं, 60 की हो जाओ मेरा दिल और नर्म हो जाए, 70 की हो जाओ अल्लाह मुझसे और हुब 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 का राबता बढ़ता चला जाए। वाइदा बलगल मुस्लिम इला 80, 90, बारे इलाहा हमारी माओं को बहनों को तूल उम्र इनायत फरमा, सेहत आफियत शुक्र और जिक्र कल्बी से ममलू इनायत हो ये बंदगी वाली जिंदगी। सो जब कोई 70 के बाद 80 को टच करता है तो एक अजीब आवाज़ आती है कि हाज़ा असीरुल्लाह फिल अर्ज़, ये तो जैसे हम कहते हैं ना हमें अहले बैत के दर का असीर बनना है, असीर मोहब्बत अहले बैत, मिस्कीन दर अहले बैत हम बने, क्योंकि अहले बैत का दरवाज़ा अभी भी खुला है, वो इत्आम कर रहे हैं। मैं अभी आ रही थी, मैंने क्या देखा, मैंने देखा वाओ लुक इट इसनाशरी, देखो इमाम हुसैन के चाहने वाले कितने पीसफुल हैं, कितने आराम से, सब देखिए अपना कोई मर जाए तो हम कितने काले कपड़े पहनते, इतना फख्र महसूस करता है ना इंसान अपने लिबास पर। खुदा की कसम क़यामत के दिन ये जो आपके काले कपड़े हैं ना सब, ये गवाही देंगे आपके हक़ में, ये सबसे हसीन होंगे, ये सबसे नूरानी होंगे, ये सबसे ज़्यादा आपको मुनव्वर करेंगे, कितना अच्छा लगता है, कितना नूरानी लगता है। तो ये हई होने की अलामत है, इससे ज़्यादा हयात और क्या चाहिए। किसको ज़िंदा कहते हैं, ज़िंदा वही है जो अभी भी खिला रहा है, पिला रहा है, मिला रहा है, वो हमारा आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन है, जिसकी वजह से हम देते भी हैं, हम मिलते भी हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये हयात नहीं है तो फिर क्या हयात है, ये हयात इसी को कहते हैं الحسين حي وحي القيوم को मैनिफेस्ट कर रहा है, वो रहमत अल्लाह वासआ है, जिसकी रहमत को हम यहाँ देख रहे हैं, या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शफा को मैनिफेस्ट करने वाला दस्तरखान, दस्तरखान आज़ादारी अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। चलो जो 80 years के हो जाते हैं कि अल्लाह कहता है ये मेरा असीर हो गया, मेरी मोहब्बत में बस अब रच बस गया है, इसलिए अपने बुज़ुर्गों का हाथ चूमे, बुज़ुर्गों का वजूद एक फैमिली में हदीस के मुताबिक एक नबी के वजूद की तरह बाइस रहमत है,
बहुत से लोग रोते हैं, गिरिया करते हैं। आप या हम में से कोई चाहता है कि अल्लाह मुझे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल जाए, किसी तरह मुझे बाहर का वीज़ा मिल जाए, लेकिन जो लोग समझते हैं अहादीस को कहेंगे हाय मेरे ख़ानदान में ज़्यादा से ज़्यादा बुज़ुर्गों, मैं बार बार बुज़ुर्गों से मिलूं। कहते हैं अपने बच्चों के साथ बार बार जाएं, बार बार नानी नाना दादा दादी से मिलाएं, वो देखेंगे कि आप कितना एहतराम कर रहे हैं, कितनी इज्जत कर रहे हैं, वो बरकत वो रहमत जो है वो इसी तरह मुंतकिल होती चली जाएगी। सो समानीन में इंसान बन जाता है असीर, मोहब्बत असीर, असारत मोहब्बत इलाही में गिरफ्तार हो जाता है। और यहाँ न जाने कितने सालों से इबादत हो रही है, ये तो इंसानों के बारे में बताया, लेकिन जिस बारगाह में अरबाइन सना, ये 40 साल 50 साल आई डोंट नो 60 ईयर्स, कितने सालों से ये बारगाह मुसलसल ज़िक्र मासूमीन से मुअत्तर हो रही है। ये खादिमीन, ये वॉलंटियर्स, ये बानियान मजलिस, इनका मकाम कितना बुलंद होगा। कहते हैं हम एक आज़ादार हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो जो खादिमीन हैं जो ये फ़र्श बिछाते हैं उनके लिए कहा गया है वो बाजू होते हैं मासूमीन के लिए। या अन्यसो व युहद्दिसु लहुम, बानियान मजलिस, खादिमान मजलिस, आप जिस तरह से भी इमाम की खिदमत कर रही हैं, कहते हैं ना हम खादिम हैं, इमाम मेज़बान है, मेज़बान और खादिम। अब घर में अगर कोई मेहमान दावत हो बहुत बड़ी, तो जो फ्रेंड्स फैमिली वाले आपकी मदद करते हैं किचन में, आप सबको खिलाते हैं, और फिर मेज़बान और जिन्होंने हेल्प किया वो सब बैठ के आराम से बात में गपशप करते हैं और खाना खाते हैं ना, यही अल्फाज हमें मिलते हैं। यअनसु व युहद्दिसु लहुम, खादिमान मजलिस और मेज़बान जो मासूमीन हैं वो बात में खलवत करते हैं, मासूम उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उनसियत होती है, वो उनके साथ बैठकर नियाज खाते हैं, नियाज रूहानी, नियाज जिस्मानी, ये खिदमत है। मेरे नबी ने मौला अली से कहा या अली इन्नल मलाइका लखुद्दामुना व खुद्दामु मुहिब्बीना, ए अली मलाइका खादिम मजलिस आज़ा के खादिम बन जाते हैं। ए अली ये मलाइका हमारे खादिम हैं, हमारे मुहिब्बों के खादिम हैं, आज़ादारान की खिदमत करने वाले और आज़ादारी में आने वालों की खिदमत दर हकीकत मलाइकतुल्लाह कर रहे हैं। सलवात भेजिए। इंशाअल्लाह ये मजलिसें इसी तरह जारी सारी रहे, और एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसमें जो दुनिया है पूरी, मेटावर्स, मेटावर्स की दुनिया हमारे बच्चे तो सब जानते हैं ना, सो मेटावर्स खुद एक दुनिया है, और ये आखिरी ज़माने की निशानी है कि ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और वहाँ पर हमारे एविटार्स होते हैं। मेरा दिल चाहता है हम भी एविटार्स हों, हमारी मजलिसें वहाँ पर भी हों जो आर्टिफिशियल दुनिया है, जो इंटरनेट की दुनिया है, जिसे क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं इमाम बारगाह ख़रीदने की, इंशाअल्लाह शाह शहीदान भी वहाँ पर कायम व दाइम हो। ठीक है, ये इल्हाम समझ रही होगी हमारी बच्ची ताइला, समझ रही होगी हमारी प्यारी, बहुत सी बच्चियाँ समझती हैं कि ये दुनिया इतनी वसी होती जा रही है कि इंशाअल्लाह ये खिदमत का मौका हमें इंशाअल्लाह उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और उस मेटावर्स की दुनिया में भी हम मजलिस हुसैन इब्ने अली पर गुजार करें। सलवात।
कुछ सवाल जिन से रिलेटेड हुए तो मैं जल्दी से कुछ नुकात बताती जाऊं कि परवरदिगार आलम ने जिन्नों को बहुत तूले उम्र दिए। जिन या काफिर होते हैं या मुसलमान आशिक अली होते हैं, कोई तीसरा नहीं है उनमें। क्यों? क्योंकि वो जिन अभी भी ज़िंदा है जो गदीर के मौके पर बखिन बखिन लगा या अली कह रहा था, वो अभी भी ज़िंदा है, तो उनके लिए कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं भाई, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसलिए वहाँ सिर्फ दो ही लोग होते, दो ही ग्रोह है, एक काफिरों का जो अल्लाह को इनकार कर रहे हैं, और जो अल्लाह को मान रहा है तो वो तो यकीनन सब को मान रहा है, वो इतना आशरी है। क्यों? क्योंकि नबी ने कहा या अली शियातु का शियातुल्लाह, ए अली जो तेरा शिया है ना, तेरे नक्शे कदम पर चलता है, वो अल्लाह का पैरोकार है। अनसारों का अनसारुल्लाह, जो तेरी नुसरत करता है वो अल्लाह की नुसरत कर रहा है। औलियाओं का औलिया अल्लाह, जो तेरा वली मुहब होगा वो अल्लाह का वली है। वह हिज्ब का हिज्बुल्लाह, जो अली के लश्कर में हो वो लश्कर इलाही में है, अल्लाह अली जुदा नहीं। काफिरों में या अली वाले हैं या मुनकर खुदा है, बस इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं। जाफर जिन्नी का आयतुल्लाह बुरुजर्दी के ज़माने में उसकी डेथ हुई, जो उस दौर से था जाफर, ठीक है। और बाकायदा उलमा ने उनकी वफात पर मजलिस बरगुजार की, आज़ादारी की। कौन है जाफर जिन्नी? आप सब जानते हैं, जो करबो बला आया था, वो मुसलमान अजन्ना का किंग था, ठीक है, किंग है, और उसके सर पे ताज था, बहुत बड़ी शख्सियत। और दिन था उसकी शादी का, वो बैठा हुआ था तख्त पे एज़ अ दूल्हा के तौर पर, ग्रूम के तौर पर, और इतने में उसको रोने की आवाज़ आती है। जब रोने की आवाज़ आती है तो पूछता है क्या है, तो बताया जाता है कर्बोबला में एक अजीब इम्तिहान हो रहा है, और वो अपने ग्रोह के साथ शादी छोड़ कर जाता है। ये शादी छोड़ कर जाता है, अल्लाह करे हम अपनी शादियों में जब रबी अव्वल का महीना आए, इबादतें ही इबादतें ही इबादतें, नेकियां नेकियां, मैंने ऐसी शादियां देखी हैं जिसमें नियत ये होती है। देखिए मजलिस हुसैनी हमारी गम और खुशी दोनों को ज़ैनबी बना रहा है ना, उसमें नियत ये होती है शादी में मैं जो भी शॉपिंग करूँ उसको हज़रत ज़ैनब कबूल करें, जो भी वक्त मैं लगाती हूँ, स्पेंड करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ, उसको हज़रत ज़ैनब कबूल करें। मैंने बाज़ों की थीम देखी है, उनकी थीम ये होती है कि हम ऐसा करेंगे कि हमारा एक एक फैनी, एक एक रियाल, एक एक पैसा जो है वो मुहिब्बीन ज़हरा के घरानों में जाए। अगर हेयर ड्रेसर ला रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सलोन वाले आ रहे हैं तो वो भी अपने चाहने वाले। अगर कोशिश ये है कि जिनको हम दे रहे हैं डेकोर के लिए वो भी अपना ही कोई हो, ये एक थीम होनी चाहिए ना। गिफ्ट दे रहे हैं तो वो भी किताबें दे रहे हैं, ये जो किताब है बाहर सेल पर है ना, 40 स्टेप्स टू फॉरएवर, वो 20 आई डोंट नो कितने टाइम्स इसीलिए पब्लिश हुई है कि लोगों ने शादियों में उसको बांटना शुरू कर दिया। 500 गेस्ट हैं, 500 किताबें दे रहे हैं, कपड़ा पहना ख़त्म हो जाता है लेकिन किताब हमेशा रहता है। कनीज़ाने ज़हरा के पर्स में किताब होनी चाहिए। गाड़ी में आप बैठे, कार में, अगर कार विदाउट बुक है तो इसका मतलब है हम शायद वक्त ज़ाया कर रहे हैं, कभी किसी का इंतज़ार करना पड़ता है, ट्रैफिक है, आप पढ़ रहे हो। हत्ता जो ड्राइंग रूम है उसमें मेहमान बैठा होता है, आप थोड़ी देर जाते हैं, आप मेहमान की आंखों के सुरूर के लिए सब इंतज़ाम करते हैं, सवाब मिलेगा, बहुत अच्छा है, सवाब है, अजर है कि आप बेहतरीन चीज़ों से उसको डेकोर करते हैं। लेकिन काश कुछ किताबें भी वहाँ पे रख लें तो वो जब बैठा होगा देखेगा, जैसे तस्वीरें रखते हैं वो देखता है, फिर हम तस्वीरों के बारे में बातें करते हैं, कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, इसी तरह कन्वर्सेशन वो किताब के बारे में शुरू हो जाए।
आप अगर आयतुल्ला बेहजत से मिलने जाते, आप जिस जिस आलिम के पास जाए उसके इर्द गिर्द किताबें पड़ी हुई होती हैं, सही ना, वो जो जिनसे मिलते हैं सबसे वो किताबें उठाते हैं, किताबों की बातें होती हैं, हम है ही किताब वाले हैं, हमारा मौजज़ा है ही किताब, ठीक है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास। लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं जाफ़र जिन्नी अपनी शादी को इस तरह से छोड़ रहा है हुब्बुल हुसैन में, और आता है और मौला से कहता है मैं मदद करूंगा। मौला फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म ये है कि तबीई हालात में हक़ व बातिल का सही इश्क इलाही का एक हसीन सा मकतब यहाँ पर कायम हो। अगर कुछ एजाज दिखाना हो तो ए जाफर जिन्नी मैं तुझसे ज़्यादा हुक्म इलाही से एजाज दिखा सकता हूँ, मुअज्जा कर सकता हूँ, सब दिलों को मुकल्लिबुल कुलूब के हुक्म से जो है वो ज़बरदस्ती हुसैनी बना दूँ या कुछ भी बना दूँ, वो अल्लाह की मशीयत नहीं है। आप नहीं लेते उसकी मदद, नहीं लेते उसकी मदद। कहते ये जिन जो हैं इस तरह से, एक काफिर है, एक मुस्लिम है, और मुहब्ब अली है। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्हाब के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे, अचानक से एक शख्स आता है, बिल्कुल अजीब गरीब उसकी शक्ल थी, खौफनाक सी, उसको देखकर सारे अस्हाब डर जाते हैं। तो नबी फरमाते डरो नहीं, ये एक जिन है और मुझसे सवाल करने आया। उसने अपने आप को ज़ाहिर किया और फिर उस जिन ने कहा कि सब डर रहे हैं अस्हाब, मैं अपना तारुफ़ करवाता हूँ, अनल हाम इब्ने हीम इब्ने हामिस इब्ने इब्लीस, मैं हाम इब्ने हीम इब्ने हामिस इब्ने इब्लीस हूँ, और मैं उस वक्त से हूँ जिस वक्त से आदम हुबूत करके अर्ज़ पर आए, ज़मीन पर आए। या रसूल अल्लाह मेरा एक सवाल है, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। देखिए उस ज़माने से नबी के ज़माने तक जिन इतनी तुलानी उम्र पाते हैं, इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे साथ साथ बहुत ही हमसे ज़्यादा बेहतरीन आज़ादार अजन्ना भी आज़ादारी कर रहे हैं। ये लिखा हुआ, अगर आप फारसी जानते हो आप गूगल करें, आयतुल्लाह बेहजत जिन के बारे में बहुत कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत गुफ्तगू करते हैं, सारे क्लिप्स मौजूद हैं, सही आपको मिल जाएगा। अफौरात अफौरात हमारा यूट्यूब टाइप का है पर्शियन वालों का, तो वैसे भी टाइप करें फारसी में करें तो फौरन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये शख्स आकर, यानी जो जिन्नी शख्स है वो आकर कहता है कि मैं शुरू से हूँ या रसूल अल्लाह, मेरा सवाल ये है कि मैंने हमने सब ने और इब्लीस ने हमसे कसम ली कि हम आदम और उनकी औलाद को गुमराह करें और अंबिया के करीब जाने न दें, तो जैसे ही हज़रत आदम ने अपनी तबलीग शुरू की तो हमने जाकर आदम को अज़ियत करना शुरू किया, जैसे ही अज़ियत करते तो एक नूरानी शख्स हवेदा होता, ज़ाहिर होता, और एक नहायत रोबदार आवाज़ के साथ इस तरह से दिफा करता कि हम सब डर के भाग जाते। हमने कहा ज़रूर ये आने वाला नबी है, लेकिन आदम के बाद कौन आए? दूसरे अंबिया आए, लेकिन वही शख्स फिर आए। हमने कहा ये तो नबी नहीं है, क्योंकि नबी तो साम आ गए, साम के बाद शेस आए, शेस के बाद हजरत याकूब आए, इदरीस आए, और वो शख्स आकर हमें अजियत करने न दे अंबिया को, अंबिया और अंबिया के चाहने वालों को जो हम चाहते थे दूर करें वो दूर नहीं करने देता था। यहाँ तक कि अब हमें पता चला आप आ गए, आप खातिम हैं, आप फाइनल नबी हैं। अब हम बिल्कुल हैरान हो गए कि वो नूर कौन सा था जो हर दफ़ा आकर हर नबी की हिमायत और दिफा करता था, अब आप बताएं या रसूल अल्लाह वो कौन है? तो नबी ने फरमाया अगर देखोगे तो पहचान लोगे। कहा हाँ बिल्कुल। इतने में आवाज़ दी या अली इरफा रासक, ए मेरे अली अपने रास को बुलंद करें। जैसे चेहरे नूरानी अमीरुल मोमिनीन को देखा तो कहा हाँ यही है वो जो हामी अंबिया है, यावर औसिया है। पूछा कौन है ये बताओ मुझे? तो नबी ने फरमाया हाजा अखी ववार
وارثي وموضع سري وخليفتي هذا يعسوب الدين قائد الغر المهجلين مولى الكونين أبا الحسنين يعسوب الدين مظهر العجائب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب إن الله خلق من نور علي 70,000 ملائكة كبي فضائل کو روتے ہوئے سنیں اور پڑھیں کیوں اللہ نے نور علی ابن ابی طالب سے 70,000 فرشتے بنائے اپنے آپ سے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کریں نور علی سے 70,000 70,000 ملائکہ کیوں بنائیں کہاں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیوں نہ ہم ذکر علی کریں کیوں نہ ہم اس نور کو اپنے سے قریب تر کریں ان اللہ خلق من نور 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 علی ابن ابی طالب 70,000 ملائکہ نے ملائکہ سے کہا یا ملائکہ اشہدکم اے ملائکہ تم گواہ رہو کس بات پہ گواہ رہو ان تسبیحکم و تقدیسکم و تحلیلکم الی یوم القیامت لہذہ المرأة ولمحبیہا یہ جتنی تمہاری تسبیحیں ہیں نا تقدیسیں ہیں نا یہ سب کے سب کے سب جناب زہرا اور ان کے چاہنے والوں تک اس کا اجر و ثواب ملے گا اب دل چاہتا ہے نا چادر زہرا سر پر ہو محبت زہرا بنت زہرا دل میں ہو تاکہ قیامت تک کی ملائکہ کی تسبیح اور تقدیس اور تحلیل میں آپ کا حصہ موجود ہو بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج نوا سٹیپ ٹائم بہت کم ہے تسعہ پہ میں نے آپ کو بتایا 9 بیوٹیفل نمبر اور نوا قدم ہمارا الجار سمتدار ہے الجار سمتدار پہلے دوسرے پھر میں پہلے دوسرے پھر میں ریسنٹلی ابھی نجف اشرف میں تھی تو ایک بہت بڑے عارف آیت اللہ بہجت جیسے ان سے ملاقات تھی خصوصی تو آخر میں جیسے ہم کہتے ہیں نا دعا کیجئے ہمارے لیے بالکل حرم کے پاس ہی ان کا مکتب ہے تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ میں آج تک اپنی زندگی میں اپنے لیے میں کر کے گیا ہی نہیں ہوں حرم علوی میں کیونکہ مجھے علی نے میں نہیں سکھایا میں ہمیشہ دوسروں کی نیابت میں حرم میں جاتا ہوں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے جاتا ہوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں جاؤ اب میں کیا کروں میں جاتا ہی ہوں اب میں جاؤں اور کہاں جاؤں دیکھیں آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کریں آپ کا حصہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا کہتے ہیں نا ایک بچی ایک دکان میں گئی تو بہت مؤدب بہت اچھی سی تھی اخلاق والی تھی تو دکاندار کو بڑی اچھی لگی کہا واو تم اتنی کیوٹ ہو اتنی اچھی ہو یہ جو یہاں کینڈیز پڑے ہوئے لے لو تو وہ کہتی ہے انکل میں نہیں لوں گی آپ مجھے دیں کہا او کتنی اور ادب والی ہے لیکن وہ چلاک تھی اس نے کہا میرا ہاتھ چھوٹا سا ہے آپ دیں گی آپ کا ہاتھ بڑا سا ہے مجھے زیادہ ملے گا اور زیادہ زیادہ چاہیے ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے نادر شاہ ایک کنگ تھا نا وہ جب بھی فتح کرنے جاتا تھا خود آگے لشکر پیچھے اس نے دیکھا ایک بچہ جا رہا ہے مکتب
कुरान पढ़ने, उसके हाथ में एक पारा है कुरान का। बच्चे से पूछा कौन सा सूरा पढ़ रहे हो आजकल, उसने कहा सूरह ए फतह, यानी विक्ट्री वाला सूरा। तो उसने फाले नेक निकाला, कहा ओह इसका मतलब है अभी जो मैं जा रहा हूँ जिस मुल्क को पता करने मुझे पता मिलेगी, क्योंकि ये बच्चा सूरह फतह पढ़ रहा है आजकल। ऐसे ही हमें हर बात पे अच्छा सोचना है ना, बहाने बहाने से पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ लाना है। उसने कहा अब तो मुझे पता मिलेगी। एक सिक्का निकाला उसको दिया, कहा नहीं मैं नहीं लेता। कहा क्यों? कहा मामा मुझे मारेंगी, ये कहाँ से लाए, चोरी किए। कहा माँ से कहना किंग ने दिया है, नादिर शाह ने दिया। कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं माँ से कहूँगा कि एक किंग ने एक सिक्का दिया तो माँ ने मुझे मार देना है, किंग हो सिक्का दोगे। तो कहा अच्छा अपना दामन फैला, उसने दामन फैलाया और उसने सिक्के उसके ऊपर फेंकता चला गया और दामन भर के भाग भाग के माँ के पास गया। बहुत ज़्यादा चाहिए रब से, अलजार सुम्मतदार, अलजार सुम्मतदार। हमारी जानें कुर्बान हो दुख्तराने अमीर अल-मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब पर। शायद आपने कभी ना सुना हो, नाशनास होकर दुख्तराने अली रात की तारीकी में जिस तरह कभी कभी रोज़े रसूल पर जाती थी, इसी तरह महरूमों के घरों में भी, ये कम बताया जाता है, मदद के लिए दूसरों की फ़िक्र, अलजार सुम्मतदार, गरीब परवरी, खिदमत खल्क, वो खूबसूरत ज़ैनबी कदम है जिसको तमाम अंबिया ने उठाया। यह हदीस इतनी प्यारी है, खसलतान दो सिफात है, लैसा फौकहुमा शय, उससे बालातर कुछ और नहीं है। वो सिफत क्या है? अल ईमान बिल्लाह, डेफिनेटली तौहीद अल्लाह, और उसके बाद अल्लाह और अल्लाह वालों को दिल में रख लिया, अब क्या करें? नफ़उल अख़वान, आपके वजूद से सबको फ़ायदा मिले, नफ़ मुनाफा, मुफीद होना, लोग आपके ज़रिए खुश हो। आयतुल्लाह फ़ाज़िल लनकरानी को आप में से बहुत से लोग जानते हैं, फ़ाज़िल लनकरानी कसम खा के कहते हैं मैं 80 साल का हो गया मुज्तहिद मरजा, कहते हैं मुझसे एक जुमला याद रखो वो ये है, वाजिबात के बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से करीब होना है तो जितना हो सके लोगों के मसाइल हल करो, हल करो, आपके ज़रिए लोगों के मसाइल मुश्किलात हल हो, उसका सबसे ज़्यादा सवाब है। अलजार यानी पहले दूसरे, तुम्मा फिर, दार फिर मैं खुद, दार यानी घर, मैं बात में, पहले दूसरे, जार कहते हैं हमसाए को, सब मिलकर के अलजार सुम्मत दार, पहले दूसरे, दूसरों की खिदमत करना, कितना इसका अजर है, कितना इसका सवाब है। अहादीस में यूँ कहा है मन सा फी कवा हवाए जन्नास। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सा का मतलब है सा, ये सफ़ा मरवा है ना, सा यानी कोशिश, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, मशहूर आयत है ना सूरह आला की, कि इंसान को वही मिलता है जितनी वो मेहनत करता है। तकदीर में अल्लाह ने यही लिखा हुआ है, जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा, ये तकदीर इलाही है। साय कोशिश, आप कोशिश करते हो, सिर्फ कोशिश, ठीक है, काम शायद ना हो, आप दो लोगों को आपस में मिलाना चाह रहे, लड़ाई हो रही है, आपने कोशिश की, उन्होंने दोस्ती नहीं की, रिश्ता करने की कोशिश की, उनका रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या की? कोशिश। उस कोशिश को बार बार मासूमीन ने लिखा है, आपकी नीयत पाक, आप चाह रहे थे ये काम हो जाए, आपने कदम उठाए लेकिन वो काम नहीं हुआ। मन सा, ओनली सा, सिर्फ मेहनत की है तो उसके लिए अजर है 9,000 मिन इबादा, 9,000 9,000 साल इबादत से ज़्यादा आपको नूर, कुर्बत, सफ़र, क़ुर्ब इलाही का आप तय करेंगी जब आप लोगों की खिदमत कर रही हैं। कितना अजर है, कितना सवाब है। आइए
दरे उम्म ज़ैनब पर गुफ्तगू कर रही हैं अपने बाबा से, पूछती हैं या अबता कैफा अलकाक। देखो कितनी फिक्र है हमारी, दूसरों के फिक्र, कैफा अलकाक कि मेरे चाहने वाले आपसे कहाँ मिलेंगे, या ऐरा अलकाक कहाँ मिलेंगे। यौमल फज़ाइल अकबर, यौमल मौक़िफ़िल अअज़म, वो जो सबसे बड़ा दिन है क़यामत का दिन, उस दिन आप कहाँ मिलेंगे, मुझे बताएं तो सही, मेरी कनीज़ें आपको कहाँ देखेंगी, मुझे ख़बर दीजिए, मुझे फ़िक्र है। तो आपने फरमाया इंद बाबिल जन्ना, जन्नत के दरवाज़े के पास। तो कहा नहीं बाबा, वहाँ तक अगर ना पहुँची मेरी कनीज़ें तो। कहा عند الحوض الكوثر, उससे पहले हौज कौसर है। तो कहा अगर वहाँ तक भी ना पहुँचे तो। तो फरमाया عند الصراط, उससे पहले सिरात है। कहा عند الصراط, कहा अगर सिरात में भी डगमगा गए और पीछे चले गए तो। तो कहा عند الميزان, जहाँ नाप तोल हो रहा होगा। कहा अगर वहाँ भी ना पहुँचे तो मेरे बाबा आप कहाँ मिलेंगे। यह है उम्मु ज़ैनब का दर्द दिल, दूसरे दूसरे दूसरे। तो फरमाया इंदा शफीरिन जहन्नम, नारे जहन्नम के करीब, अगर वहाँ तक भी कोई चला गया, वहाँ आपको जद्दे ज़ैनब कुबरा का जमाल मिलेगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। الجار ثم الدار, الجار ثم الدار, इंशाअल्लाह ये वो हसीन कदम है जिसके ज़रिए हम क़ल्बे ज़ैनबे कुबरा में खूब जगह बना सकते हैं। और क्या खूब हदीस है, मैं अक्सर ये हदीस सुनाती हूँ, इन्नल्लाहा आता आशरत अशिया ले आशरती निसा। आखिरी हदीस और मसाइब की तरफ जाते हैं हम। अल्लाह ने 10 चीज़ों को 10 ख़वातीन को दिए, 10 बड़ी बड़ी सिफात 10 बड़ी बड़ी ख़वातीन को दिया। इन्नल्लाहा आता अच्छा तौबा, तौबा लिज़ौजती आदम, हज़रत हव्वा को, हज़रत आदम तौबा कर रहे हो तो नबीउल्लाह है, लेकिन हव्वा तौबा कर रही है, उसको अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने देखा, कहा ये तौबा। जमाल मेहरबानी ले सारा, जनाब सारा बहुत मेहरबान, जब मेराज पर क्या मंज़र देखा हमारे हबीब ने, हबीबुल्लाह ने, हबीबा कुलूब भी है ना, तबीबा कुलूब भी है ना, क्या देखा कि मुसलमानों के बच्चे जब मर जाते हैं तो जनाब सारा और इब्राहिम उनका ख्याल रखते हैं। हम यहाँ दुनिया में ख्याल रखने वाले सारा और इब्राहिम हैं, और अगर आप जैसे शियाओं के बच्चे दुनिया से चले जाए वालदेन से पहले, तो फातिमा तो ज़हरा तो रब्बीहिम, बीबी खुद उनसे मोहब्बत, उनकी तरबियत करके हसीन बना के वालदेन की खिदमत में देंगी, यकीन आता है। अल्लाहु अकबर, ये मकाम है, ये है वो जमाल सारा। नंबर टू, नंबर थ्री हमें बताया जाता है हुर्मा لزوجت ایوب والحفاظ لزوجت فرعون, कि हुर्मा कहते हैं उस एहतराम को, उस हिफाज को, कि जनाब अयूब पर बहुत सी मुश्किलात आई थी, लोगों के सामने ज़ौजे अयूब जिनका नाम रहिमा बताया जाता है बयान नहीं किया, गैरत, गैरत की सिफत कि शौहर की बुराइयां किसी के सामने बयान न करें, इसलिए उनका बड़ा मकाम है ज़ौजे अय्यूब का। और हुर्मा एहतराम इज़्ज़त है ज़ौजे फिरऔन जनाब आसिया के लिए। और फिर कहा वल हिकमा लिबिलकीस, वल अक्ल लिबिलकीस, वल हिकमा लिज़ुलैखा, हिकमत जनाब ज़ुलैखा को दी और अक्ल व दिरायत जनाब बिलकीस को अल्लाह ने दी। और अब आते हैं ले उम्मे मूसा सब्र, उम्मे मूसा को साबिरा बनाया कि अपना बेटा दिया तो अल्लाह ने नबी बनाकर उन्हें वापस दे दिया।
और परवरदिगार आलम ने सफ़वा दिया है जनाब मरियम को। सफ़वा किसे कहते हैं? सफ़वा यानी इन्नल्लाह अस्तफा की व तहरा की व अस्तफा की अला निसाइल आमीन। अल्लाह ने चुन लिया जनाब मरियम को। कहते हैं जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है फातिमा तो खैरतुल्ला, फातिमा अल्लाह की चुनी हुई, मुस्तफ़ा अल्लाह फातिमा तो जहरा। हम कहेंगे हमने भी जनाब जहरा को अपना सैयदा चुन लिया है। हम सब अपने रास्त, हम कहते हैं सीधा हाथ अपने सीने पर रख कर के है या फातिमा या ज़ैनब, ये या अली कहने से कम नहीं है। जब भी ज़रा कमज़ोर हो जाए ईमान कहें या फातिमा। वर्रिदा ले खतीजा वल्म ले फातिमा। अल्लाह ने रिजा की सिफत जनाब खतीजतुल कुबरा को दी, इल्म की सिफत मादरे आइम्मा को दी। रिजा वो सिफत है जिसमें तौबा भी है, जिसमें हिफाज भी है, जिसमें रजा सब्र भी है, अक्ल भी है, हिकमत भी है, तमाम खूबियों को जमा करें तो रजा, अल्लाह से राज़ी रहना। रजा का कहते जनाब सैयदा का आखिरी जुमला यही था, या अल्लाह तेरी खुशी, या अल्लाह तेरी खुशी, या अल्लाह तेरी खुशी। अंचल मुना फोकल मुना, ये याद करें, बहुत खूबसूरत छोटी छोटी सी बातें। या अल्लाह तू मेरी तमन्ना है, मुना कहते हैं आरजू, या माई ट्रूली डिज़ायर फॉर व्हाट आई एम लॉन्गिंग आरजू। ये बात से नहीं, अंचल मुना फौकल मुना, यही रजायत अलजार सुम्मदार, यही चीज़ आपको करबला में नज़र आती है ना। आप देखिए कौन है शहजादे अली अकबर, कौन है हम और आप नहीं जानते। जानते हैं तो इमाम हादी अलैहिस्सलाम, जनाब हादी अलैहिस्सलाम। इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने ज़्यारतनामे शहजादे अली अकबर में यूँ दुआ की है कि बारे इलाहा जन्नत में मुझे रफाकत अली अकबर रिज्क में इनायत फरमा। कितनी बड़ी बात है, इमाम दुआ कर रहे हैं, इमाम कह रहे हैं मुझे रफीक बनना है शहजादे अली अकबर का। क्यों, किस लिए, हम और आप क्या जाने शहजादी की का रुतबा क्या है, मकाम क्या है। इसलिए कि जो इंट्रोडक्शन मौला हुसैन जनाब अली अकबर के बारे में दे रहे हैं वही इंट्रोडक्शन एक शख्स को इमाम बनाता है, या हज़रत हुज्जत को यही सिफात इमाम बना रही है। हो सकता है एक शख्स नबी ना हो लेकिन शान नबूवत उस पर मौजूद हो, जैसे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नबी नहीं है लेकिन शान नबूवत है, अली अकबर इमाम नहीं है लेकिन शान इमामत है। तमाम उस ज़माने के मुसलमान यकीन से जानते थे कि हुसैन के बाद जो इमाम बनेगा वो अली अकबर है। उन्हें यकीन था, पूरा यकीन था कि अगर जिंदा रहे यही इमाम है। क्यों, क्योंकि उनके पास वो शान इमामत मौजूद थी। भाई इमाम नहीं थे, वो बनना भी नहीं था लेकिन शान इमामत, तमाम वो सिफात इमामत के मौजूद है। फख्रे अंबिया है जनाब अली अकबर, रुकन अवलिया है जनाब अली अकबर। क्या मकाम, क्या रुतबा है। अब आप सोचे ऐसी हस्ती जब करबला में मक्तल की जानिब जाना चाह रही हैं तो जो रुखसत का वक्त आता है ना मक्तल में और मजालिस में, यूँ पढ़ा जाता है कि दो विदा नहायत संगीन विदा थे, एक मौला और आका इमाम हुसैन का और एक
जनाब अली अकबर का। इतना वो वक्त संगीन था कि बार बार खेमे के पर्दे उठते थे और बार बार एक हाथ दोबारा से अली अकबर को अंदर ले जाता। कभी वो हाथ एक नन्ना सा हाथ, नन्नी सी सकीना का हाथ होता। अहले अज़ा बड़ी मुश्किल से अली अकबर को इजाज़त मिली खेमों से निकलने की। ऐसा लगता था जैसे किसी जवान का लाशा निकल रहा है। आखिर कौन है अली अकबर? यूसुफ़ लैला, यूसुफ़ ज़ैनब, यूसुफ़ इमाम हुसैन है अली अकबर। मेरा दिल कहता है माँ दुआ कर रही होगी, या रब यूसुफ़ ले अभी, ए वो रब जिसने यूसुफ को अपने बाप तक पहुँचाया। मेरा लाल जा रहा है, मेरा अली अकबर जा रहा है, वो वापस आ जाए, माँ का नूर फिर नूर से मिल जाए। अहले अज़ा रिवायात की यूँ अल्फाज है, मुअतबर किताबों में यूँ लिखा हुआ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक मर्तबा जनाब अली अकबर को देखा और फिर ना देख सके। फौरन निगाहें ज़मीन की तरफ कर दी। नज़र इलैहि नज़र यायिस, जो ये मायूसाना निगाह होती है। फिर ज़मीन की तरफ देखा और गिरिया किया। गिरिया करने के बाद अपनी दाढ़ी को पकड़ा। अरब में अगर कोई बुज़ुर्ग अपनी दाढ़ी पकड़ ले, इसका मतलब ये होता है कि मैं अब तन्हा रह गया, मैं अब बेसहारा हो गया, मैं इस आलम बुढ़ापे में अपने जवान को भेज रहा हूँ। दुश्मन ने ये मंज़र देखा तो दुश्मन हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा कि हुसैन ने दाढ़ी को थाम लिया है, अली अकबर जा रहा है। और कहा जाओ बेटे जाओ। अली अकबर चले गए, लेकिन अभी जुदाई नहीं हुई। हुसैन ने अभी दिल नहीं उतारा, अभी वो अटैचमेंट है। जनाब अली अकबर सर पे अम्मामा रसूल अल्लाह का है, शानों पे आबा रसूल खुदा की, शक्ल नबी की तरह है लेकिन आवाज़ अली मुर्तज़ा की तरह। जब यूँ रजस पड़ा कि ए दुश्मनों आओ, मैं अली इब्न अल हुसैन हूँ, मैं कहूँगी हाय अली अकबर, ए मेरे शहजादे, काश आपने यूँ अपना तारुफ न कराया होता। वो जो दिलों में बुग्ज़ कीना था वो सब निकल आया। जनाब अली अकबर रजस पढ़ते गए और जिहाद करते रहे। आवाज़ अली की, शक्ल नबी की कोई करीब न आ सका। सबको मारते गए, वापस आए हैं अपने बाबा से मिलने। अब इमाम हुसैन ने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया। जिस तरह इमाम हुसैन ने बार बार विदा किया ना, एक दफ़ा तो नहीं आए खेमों की तरफ, अली अकबर भी दो बार आए। दो दो विदा है शहजादे अली अकबर के। अब सीने से लगा कर कहा है, मेरे बेटे अली अकबर, इस दुनिया को मैं क्या करूं तेरे बाद। बेटा तू जा रहा है, जा रहा है, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन रुक ना सके, खुद ब खुद कदम उठ रहे हैं। कहा बाबा आपने इजाज़त दे दी, बाबा मैं तिश्नगी से मर रहा था, मैं आपकी तिश्नगी दूर करने आया था, बाबा आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। कहा है मेरे जवान, काश तेरा कोई जवान बेटा होता, तू समझता बाप के दिल में क्या गुजर रही है। जनाब अली अकबर अब गए। कहते एक शख्स अपने अर्ज़क़ कहता है
किसी की जरूरत नहीं होती शबी है पैगंबर पर वार करने की। अलैया आसामुल अरब, तमाम अरबों के गुनाह मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। और उसने कहा मैं ऐसा वार लगाऊंगा शहजादे अली अकबर पर कि उसका बाप ऐसा रोएगा। वाहिद मकाम है जहाँ इमाम हुसैन ने उमर साद पर नफरीन करके कहा, ए उमर साद, नबी के एहतराम में अगर तूने मेरे अली अकबर का एहतराम ना किया, खुदा तेरी नस्ल को कता कर दे। अब यहाँ अली अकबर जाते हैं, दुश्मन करीब नहीं आ सकते, इसलिए दूर से पथराव कर रहे हैं। आपको पता है ना, अगर कोई सवार सवारी पर हो और पत्थर पे पत्थर आए तो सवार अपने सर को झुका देता है। वो चेहरे नूरानी है आईने रिसालत, जब आपने अपना सर झुकाया तो मलऊन ने आकर ज़रबत आपके सर पे लगा दी। जिस तरह कूफा में अली अमीर المؤمنین का सर फटा मेहराब इबादत में, एक मर्तबा मैदान करबला में फिर वो सर फट गया। यहाँ अली अकबर है, खून जाकर घोड़े की आँखों में, घोड़ा दुश्मन की तरफ जा पड़ा। अहले अज़ा, धीमी सी आवाज निकली, या अबता अलैक मिन सलाम, मेरे बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। अहले अज़ा, हुसैन आ रहे हैं, हुसैन को कुछ नज़र नहीं आता। वलदी वलदी अलअली, वलदी अलअली, मेरे आका शहीद हुए लेकिन अशकिया ने कितना रुला रुला कर इस प्यासे की आंसू बहा बहा कर प्यासा ज़िबा किया। हाय मेरे हुसैन, घुटनों के बल चल रहे हैं, वहां दुश्मनों ने क्या किया। अली नाम है ना, बुग़्ज़े अली में आकर अली अकबर के बदन को पारा पारा किया। कहते हैं जब बकरा ईद होती है हम गोश्त के टुकड़े करते हैं ना और गोश्त तकसीम करते हैं, उसको अरब कहते हैं इरबन इरबा। या इमाम ज़माना मुझे माफ़ कर दे, बड़े सख्त मसाइब हैं। या साहिब अल आसर, या फातिमतु ज़हरा, अली अकबर के जिस्म को इरबन इरबा अब पारा पारा टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब इमाम हुसैन अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार पर रखते हैं। कहते हैं अद दुनिया बादकल अफा, ये दुनिया तारीख है अली अकबर। परवरदिगार आलम आपको कर्बो बला ले जाए। अगर आप हरम हुसैन इब्ने अली तक पहुँचे तो पहले मौला के जरी को ना छूना, पहले अली अकबर की जरी पर जाए जो मुत्तसिल है। अपना रुखसार जरी अली अकबर पे रखे और के मेरे आका हुसैन, ये वही काम है जो आपने कर्बो बला में किया। हुसैन आप पर एक नजर खास फरमाएंगे। हुसैन ने अपने आप को बदन लाश अली अकबर पर गिरा दिया, हुसैन की रूह परवाज करने लगी। क्या देखा, एक हाथ आकर कांधे पर लगा, मुड़कर देखा तो दुखियारी बहन ज़ैनब है। ए मेरे भैया हुसैन, बूढ़ा बाप जवान का जनाजा नहीं उठाता, आपकी बहन जिंदा है। वाह गुरबता, ए जवानों, अली अकबर का लाशा उठाओ,
अल्लाह हुसैन। Ha ha ha!